कांस फिल्म फेस्टिवल में फैंस से लेकर सेलेब्स तक अपनी खास प्रेजेंस दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। 24 मई की रात इस खास फेस्टिवल का हिस्सा अनुराग कश्यप और सनी लियोनी भी बने। यहां उनकी फिल्म कैनरी का प्रीमियर भी हुआ। हालांकि इन सबके बीच अनुराग कश्यप ने कुछ ऐसा कर दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कांस के रेड कार्पेट से एक वीडियो सामने आया जिसमें सनी लियोनी वन शोल्डर गाउन में पहुंची थी। इस गाउन को पहन रेड कार्पेट पर जाते ही सनी का गाउन अनुराग के जूते में फंस गया, जिसके बाद अनुराग कश्यप सनी की ड्रेस संभालते नजर आए। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान रह गया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खासा सुर्खियां बटोर रहा है। कांस के रेड कार्पेट से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अनुराग कश्यप सनी लियोनी के ड्रेस को ठीक करते नजर आ रहे हैं। हुआ ऐसा कि सनी लियोनी का लेंथी गाउन अनुराग कश्यप के जूते में फंस जाता है, जिसके बाद अनुराग ने उस ड्रेस से अपने जूते को तो बाहर निकाला, साथ ही सनी लियोनी की ड्रेस भी ठीक करने लगे। इस मोमेंट को वहां मौजूद कैमरे में कैद कर लिया क्या, बस फिर क्या था। इस वीडियो को वायरल होने में थोड़ी देर लगी और सोशल मीडिया पर ये हॉट न्यूज़ बन गया। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।